सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छाएं देती हूँ। दिवाली का आज चौथा दिन यानी आज बलि प्रतिपदा है। भगवान विष्णु इन्होंने वामन अवतार धारण कर राक्षस राजा बलि को हराया था। बलि बहुत महान राजा था, किंतु पृथ्वी पर शासन करते हुए वह लालची हो गया था, क्योंकि उसे भगवान विष्णु द्वारा असीमित शक्तियों को प्राप्ति करने का वरदान मिला था। गोवर्धन पूजा इसी विश्वास के साथ मनाई जाती है। कृष्ण ने असहनीय कष्ट सहन करके इंद्र के गर्व को हरण किया था। यह दिन 3.5 मुहूर्तों में से एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बलि का स्त्री सहचित्र निकाल कर उसकी पूजा की जाती है। इस दिन विक्रम संवत शुरू होता है। इस दिन व्यापारी वर्ग अपने नवे वर्षारंभ का प्रारंभ करते हैं और नए बही खाते तैयार करते हैं। दिवाली के 4 दिन में बलि राजा का राज्य होता है ऐसे माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है, इन दिनों में किसी प्रकार का दुख निराशा मन में ना लाते हुए हमें खुश और आनंदी रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटनी चाहिए। आज ही के दिन सुबह सुहागने सुबह अपने पति की आरती करती है। रंगोली निकालकर पाट बिछाया जाता है। पाट पर बैठने के बाद पत्नी अपने पति को सुगंधित उबटन और तेल लगाती है और आरती करती है। अपने पति की दीर्घ उम्र की कामना करती है। इस दिन पति भी अपनी पत्नी को विशेष भेंट देते हैं। दिवाली एक उत्साह और आनंद का त्योहार है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, हर धर्म के बंधु भगिनी इस पर्व पर उत्साह और आनंदित रहकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। रिश्तेदार के घर जाकर बधाइयां देते हैं। यह आनंद उत्सव आज के दिन पत्नी खास अपने पति के लिए मनाती है। MNS न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मित्रों, बच्चों को फटाके फोड़ते समय अकेला ना छोड़े, उनके साथ रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद, शुभ दिवाली।